प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसा विषय चुना है जो कि हर इंसान से जुड़ा हुआ है। उसका नाम है डिसअपॉइंटमेंट, मीन्स निराशा। हाउ टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट, के निराशा को कैसे दूर भगाएं, कैसे इससे बचें। तो यह जो निराशा है हर इंसान से जुड़ी हुई है जो सफलता चाहता है। तो आज कुछ मैं टिप्स बताऊंगा जिससे आप निराशा से बच सकते हो। ये टिप्स मैंने अपने जीवन में इस्तेमाल किए हैं। तो जानिए, सबसे पहले है फेस विद डिसअपॉइंटमेंट। देखो, अगर आप निराशा से भागते रहोगे कि मैं निराश ना हूं, परंतु निराशा आपके ऊपर हावी हो जाएगी। बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूं। मेरा एक स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट, एमबीए की हुई है उसने। अभी वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है। तो एक रास्ता है उसका बिजनेस की तरफ जाता है, एक रास्ता उसकी एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाता है। पिछले 6 महीने से बेरोजगार है, अब उसका ध्यान बिजनेस की तरफ है। मैंने उससे पूछा कि यदि आप बिजनेस में सफल ना हुए तो क्या करोगे? वो कहता है कि जब मैं निराश हो जाऊंगा, डिसपॉइंट हो जाऊंगा बिजनेस से, अगर इसमें से प्रॉफिट नहीं आता तो मैं एम्प्लॉयमेंट की तरफ चला जाऊंगा, मैं दोबारा जॉब करने के लिए आगे जाऊंगा। वो ऑलरेडी 3 जॉब कर चुका है तथा 3 कंपनियों को त्याग कर वापस बिजनेस करने की के बारे में सोच रहा है। तो उसका जो निराश होने का टाइम है, वो कहता है 3 महीने में करूंगा, 3 मंथ्स। अगर बिजनेस में 3 महीने में सफल नहीं हुआ तो मैं जॉब की सर्च करना शुरू कर दूंगा। मैंने कहा अगर आप जॉब में जाओगे, वो कहता है कि मैं रिज्यूम लेकर, मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वो लेके जाऊंगा। मैंने उससे कहा कि अभी तो आप पिछले 6 महीने से फ्री हो, कोई भी कंपनी नहीं लगाएगी आपको, और आपका जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि कभी आप अकाउंटेंट बन गए, कभी आप टीचर बन गए, आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो एक तो है नहीं, अकाउंटिंग एरिया में कुछ और अपडेट्स हो रहे हैं और टीचिंग के लाइन में कुछ और अपडेट्स हो रही हैं। किसी भी एरिया में स्पेशलाइज लोगों की आवश्यकता है। वो कहता मैं फिर भी जॉब करूंगा। मैंने कहा कि अगर आपको जॉब ना मिली तो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है एक ही एरिया का। वो कहता फिर मैं वापस बिजनेस में आऊंगा। मैंने कहा ये चक्कर जो है ये तो आपके निराशा का है, तो क्यों ना आप फेस करो उस डिसअपॉइंटमेंट से। बिजनेस में जाना है तो पीछे लग जाइए यार, टू द पॉइंट। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जब आप पीछे लग जाओगे, बिजनेस के पीछे लग जाओगे, हाथ धो के लग जाओगे, बिजनेस आपका चलेगा। अगर आपने स्किल ले ली है, जॉब्स के पीछे जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, वो तो आपको मिलेगी मिलेगी। तो डिसअपॉइंटमेंट को पीछे भगाइए, वो आपके पीछे मत भागे। तो जब हम फेस करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे, उससे स्ट्रगल करेंगे, क्यों मैं निराश हो जाऊं? 3 महीने मेरा बिजनेस नहीं चला, कोई बात नहीं, मैं अगले 3 महीने के लिए कोशिश करूंगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अगले 3 महीने नहीं चला, उसके अगले 3 महीने में मैं पूरा स्ट्रगल करूंगा। क्या वीकनेस रह गई, क्या कमी थी, क्यों नहीं मेरे पास बिजनेस के लिए ग्राहक आए, क्यों नहीं मैं बेच सका जो सामान मैं बेचना चाहता था। तो उन वीकनेस को तभी आप करोगे जब आप में सीखने की योग्यता आएगी। आप फेस करोगे निराशा को, फेस करोगे। नंबर 2 पे गेट हेल्प फ्रॉम गाइड। अगर आप निराशा को दूर नहीं कर सकते तो ऐसा गाइड आप ढूंढिए जो आपके लिए बिना पैसे के लिए काम करे।
बहुत सारे दुनिया में समाज सेवक लोग हैं जो अच्छी सलाह देते हैं, उनसे सलाह लीजिए तथा उनके ऊपर एक्ट अपॉन कीजिए, अमल कीजिए। नंबर थर्ड, टेल द ट्रुथ। जब आप सच्चाई बताते हो किसी को भी तो अपने आप ही आपकी आधी निराशा खत्म हो जाती है। आप अपने दिल का जो बोझ है वो दूसरों को बताइए और पूरी सच्चाई के साथ बताइए कि हाँ यार ये घटना हुई है, इस रीजन से मैं दुखी हूं। तो हो सकता है दूसरा कोई ऐसा होप वाला थॉट्स आपको दे दे जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए। तो सच्चाई को छुपाइए नहीं है, क्योंकि जब सच्चाई छुपाई जाती है तो वो अपने आप ही आपको अंदर घुटने के लिए विवश कर देगी। तो आप इस निराशा में अपने आप को खत्म कर दोगे। रिफ्रेश इन न्यू डे। ठीक है, कल का दिन निराशाजनक था, परंतु आज एक नया दिन है। रिफ्रेश कीजिए। कंप्यूटर में बटन होता है रिफ्रेश, फ्रेश, रिफ्रेश। अपने जीवन को रिफ्रेश कीजिए। हाँ, आज एक नया दिन है, एक नई शुरुआत करेंगे, हम भी सीखेंगे औरों को भी सिखाएंगे। फॉरगिव। किसी ने आपका दिल दुखाया, उसको माफ कर दो, क्योंकि माफी देने से आप में ऐसे क्वालिटी का सर्जन होता है जो देवताओं में है। जब आप किसी को माफ कर दोगे तो आप में शांति का अनुभव होगा, ऐसी शांति जो इस दुनिया में बिल्कुल ही किसी को प्राप्त नहीं होती। डू टूडे, नेवर पोस्टपोन ऑन टमारो। अगर आपने अवॉइड करना है डिसअपॉइंटमेंट, कि मुझे अपॉइंटमेंट मिले, मुझे फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, कि मैं संतुष्टि प्राप्त करूं, तो आज का काम आज ही खत्म कीजिए। एक ऐसा नियम, सिक्स नियम, ऐसा रूल बना लीजिए कि आज का काम आज ही खत्म करना है, कल के ऊपर नहीं छोड़ना। नेवर पोस्टपोन कि यार कल कर लेंगे, नो, आज करेंगे, क्योंकि कल कल बीतते बीतते बोझ बढ़ जाता है, तो आपको संतुष्टि नहीं मिलती। बॉस कुछ कह देगा, या आपके कस्टमर आपको कुछ गलत कह देंगे, या जिनसे आपने कर्जा लिया है उनको कल देने से आपकी रेपुटेशन कम हो जाएगी। तो यह बातें आपने आज सोचनी है, आज करना है। मुझे उम्मीद है इन थॉट्स से आपकी निराशा कम हो जाएगी, आपको पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आएंगे, आप ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील करोगे। ओके, इन्हीं शब्दों के साथ ओम।